लेडीज़ एंड जेंटमैन वेरी वार्म वेलकम टू मॉड्यूल 29 डिजिटल डिवाइड इंड इनोवेशन बहुत ही अहम मुकाम पर अब आप आ गए लास्टली जब हमने डिस्कस किया लास्ट मॉड्यूल के अंदर उसमें हमने एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात की कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा और कितना पूल ऑफ इंटरेस्ट आएगा और कितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी बुनियाद के ऊपर आपके रिटर्न्स जो हैं वो डिटर्मेंड हो अच्छा आज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर आप देखते हैं कि ये इट इज इन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी 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 अच्छा पहले ग्लोबलाइजेशन कहा जाता था अब लफ्स मैकडोनलाइजेशन कहा जाता है यानी आपने अपने जो भी फ्रेंचाइज डेवलप आप करते हैं वो ग्लोबल से बढ़कर एक मैकडोनलाइजेशन इसलिए कहा गया कि टर्म चेंज हो गई पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी यानी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी जहाँ पर कल्चर्स नॉम ट्रेडिशन, बिहेवियर सब तब्दील हो जाए एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ अर्सा पहले आज से बहुत अर्सा पहले बल्कि कुछ ज़्यादा दस बीस साल पहले चले जाइए बीस साल पहले चले जाइए कुछ चाइना के इलाकों के अंदर बैठ कर खाने का रिवाज था उसके बाद से जब पिज़्ज़ा हट का पहला ब्रांच बना तो उसके अंदर आपने देखा एक केस स्टडी का रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इसको चेयर्स पे बैठ के खिला जब चेयर के ऊपर बैठने का खाने का मामला आया तो उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी यानी कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इसी तरीके से ये वाला प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आया आपके बहुत से प्रोडक्ट्स को आया इसी तरीके से आज के दौर में ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी आईटी आपकी क्लाउड कम्प्यूटिंग बेशुमार ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसके अंदर अब आपको जो है वो डिजिटल या डिजिटाइजेशन से इंसानों को रेजिस्टेंस आ रही है। अच्छा अब आपका सबसे बड़ा मसला आ, कुछ दौर के अंदर आपने देखा होगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में इशू आता आपको समझ नहीं आती कि आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसे होता है टीचर आपसे क्या बात कर रहे हैं आपका जहन किस तरफ जा रहा है क्या डायरेक्शन है और ऑब्वियसली आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन दुनिया जब चेंज हो गई तो डिजिटाइजेशन के ऊपर आ गई अच्छा अब डिजिटाइजेशन के अंदर डिवाइड्स भी आ गए अच्छा एक प्रॉब्लम मैं इसके अंदर बताऊंगा कि इनोवेशन तो आ गई उसके अंदर ऑब्वियसली मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और मुझे फास्टेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए और मुझे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए पहले तो मैं सम हाउ फिफ्टी परसेंट वेस्ट को जेन में रखता था पहले बाद में बिजनेसमैन जो है वो कुछ अर्से के अंदर तकरीबन फोर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट

डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो है वो दुनिया जैसे ही तब्दील हुई तो उन्होंने कहा कि हमें डिजिटाइजेशन एट द पीक चाहिए लेकिन इसने डिवाइड पैदा कर कर दी अब क्या हुआ कि कि इनोवेशन को डिजिटाइजेशन के साथ मिक्स दिया गया जो कि अच्छी बात अगला दुनिया चाइना की तरक्की आपके सामने डिजिटाइजेशन कंप्लीट वी चैट आप देख लीजिए विशन देख लीजिए अली बाबा देख लीजिए आप ताओबाओ देख लीजिए सो एंड सो फोर्थ पूरी दुनिया एमेजोन से लेकर सारी की सारी जो है वो तो आपको जो है वो डिजिटाइजेशन

So, समझने की बात यह देखें जब आप रिटेल स्टोर पर जाते हैं तो आपका आई लेवल होता है आपने आई लेवल पर देखना है आपने खुद से सिलेक्ट करनी है आपने चीज़ों को देखभाल करनी है आपने समझना है कि आपको क्या चीज चाहिए लेकिन जब पार्सल के ऊपर आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगी आप उसके अंदर इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी चीज ले ले तो जहां पे इसके फायदे हैं जहां प्रोज हैं वहां कॉन्स भी हैं लेकिन इनोवेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर प्रॉब्लम यह आ रहा है कि अब मैं लार्ज इंडस्ट्री पे आ जाऊंगा जहां पर सात हजार आठ हज़ार आदमी काम करता था इस डिजिटाइजेशन की वजह से वहां पर सिर्फ सौ आदमी काम करता है पचास आदमी काम करता है दस आदमी काम करता है तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर रेफरेंस के तौर पर मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप एम एस के स्टूडेंट्स जो हैं या एम के स्टूडेंट जो हैं जो लीडिंग टू पी होंगे वो ये याद रखें कि नाइनटीन के अंदर हॉथर्न स्टडीज आई थी और उसने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी कि अगर डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल इंडक्शन ज्यादा हो जाएगी विच इज गुड लेकिन अगर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इंसानों की जो कैपेबिलिटी ऑफ इनोवेशन है उसका मुकाबला आने वाली टेक्नोलॉजी तो नहीं कर सकती तो उनको आपको डिवाइड देना पड़ेगा अब हम आगे देखते हैं कि डिजिटल डिवाइड इनोवेशन कहती क्या डिजिटल डिवाइड टू द टेक्नोलॉजी गैप दैट रिमेन्स टूडेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी गैप मॉडल द कंटिन्यूस लीडिंग इन टेक्नोलॉजी एंड द डिमांड एंड फॉलोअर इकोमी लैग बिहाइंडसली वही मैंने बात की इकोनॉमी एक अलग तर्ज पे चलेगी इनोवेशन आपका पूरा का पूरा, पूरा, पूरा रूल आउट कर जाएगा तो देन इज इंडक्टली स्पोर्ट्सिसक्यूमुलेशन जो मैंने अभी अर्ज का मतलब ही यही है कि मेरा इनोवेटर डिजिटाइजेशन ए आई क्लाउडिंग जो मर्जी टेक्नोलॉजी या रिबोटिक्स ले जाए आप अपने रिटर्न बेहतर कर लें लेकिन हमें इस एस्पेक्ट को भी माइनस नहीं करना होगा देन इट सेज कि इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, तो आप जो है आपकी इनोवेशन और डिजिटल डिवाइड ये एक बड़ा मुहिमा बनेगी इसके ऊपर अगले मॉड्यूल में बात करेंगे थैंक यू वेरी मच